घर पे हम लोग बहुत सारी सब्जी बनाते हैं, लेकिन वो जो अनियन और कैप्सिकम है ना, वो साइड पे पड़े रहते हैं और उसको कहीं बनाना हो ना तभी उसके अंदर यूज करते हैं। लेकिन आज वही पड़ी हुई सब्जी से हम लोग आज एक सब्जी बनाएंगे, जिसके अंदर मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, उसी के साथ खड़े मसाले, जीरा, पूरा वाला धनिया, उसी के साथ थोड़ा सा अनियन, बे लीफ, काजू, उसी के साथ डाला है जिंजर गार्लिक वाला जो क्यूब्स आता है वो यूज़ करा, और गार्लिक पूरा था वो डाला। उसे अच्छी तरह से भून लेंगे, और ये सारी चीज़ें भूनने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। कैसे भी काट लो, ये ज़रूरी नहीं कि आप कैसे काट रहे हो, कैसे भी काट लो। और यहाँ पे ये जो लाल मिर्ची है वो पहले डालनी होती है, जो मैंने स्किप कर दी और मैंने बाद में डाली है। आप पहले भी डाल सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि कभी डालनी है। जब भी हम लोग ने वो तेल में खड़े मसाले डाले ना, तभी भी आप वो रेड चिली है ना वो ऐड कर सकते हो। मैंने भूल गई थी, वो रीज़न से मेरे से नहीं हुआ, तो फिर मैंने बाद में डाल दी, मुझे याद आ गई सडनली। और यहाँ पे मैंने डाला है नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, उसी के साथ थोड़ा सा हींग डाला है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी मेरा पैन यहाँ पे नॉनस्टिक नहीं है, इसके वजह से मैं उसके अंदर डालूंगी हल्का सा पानी। अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रहे हो या फिर ये वाला ऐसा कुछ पैन यूज़ कर रहे हो, तभी भी उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना, ताकि आपकी जो सब्जियाँ हैं फिर आपके जो मसाले हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पक जाए। अभी जैसे ये पक जाए अच्छी तरह से, पूरा नहीं पकाना है नॉर्मली, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो पूरा नहीं गला है, मैंने उसको थोड़े देर के लिए रखा है। अभी यहाँ पे इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी जार के अंदर डालना है। मिक्सी जार के अंदर डालने के बाद उसे एक अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। जैसे ही पेस्ट बन जाए, वही पैन के अंदर हम लोग डालेंगे ऑयल, उसी के साथ वो जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। अगर आपको तड़का डालना है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल सकते हो, और उसके बाद ये जो ग्रेवी हम लोग ने रेडी करी है वो डाल देंगे। अभी ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। जब भी उसका जो ऑयल है ना वो साइड से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए ना, उस स्टेज पर हम लोग डाल देंगे योगर्ट। दही डालने के बाद उन्हें अच्छी तरह से पकाते रहना, हिलाते रहना है, बिकॉज दही डालते समय ये बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे दही रखोगे और गैस चालू होगा तो वो फट जाएगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके ऊपर चमचे है ना चलाते रहना। फिर यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मसाला डाला है, जिसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको रेड मिर्ची नहीं डालनी है आप स्किप कर सकते हो, आप गरम मसाला भी सिर्फ डाल सकते हो। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो ग्रेवी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अभी इसके अंदर पानी कितना डालना है, आपको कैसी ग्रेवी करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे बेसिकली इसके अंदर जाएगा अनियन और कैप्सिकम, तो ग्रेवी तो थोड़ी थिक होगी तभी खाने के लिए मज़ा आएगा, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा पानी डाला है। पानी डालने के बाद आप देख सकते हो, पानी डालने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम और वो अनियन, जिसको मैंने स्क्वायर क्यूब्स में काटे थे ताकि वो अच्छे भी दिखे, इसीलिए और कोई रीज़न नहीं था। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के अच्छी तरह से इन्हें भी पका लेंगे, और यहाँ पे बस एंड में धनिया डालना है, और ये वाली सब्जी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जब भी ग्रेवी करो तो आप देख के करना कि आपको कितनी ग्रेवी की थिकनेस चाहिए। बाकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है अनियन और कैप्सिकम के साथ। अभी आप ये मत बोलना कि इसके अंदर पनीर भी डाल दो। पनीर तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों में डाले, कभी कुछ ऐसा भी ट्राई करो ना, सिंपल सा ऑनियन और शिमला मिर्च वाला टेस्टी लगता है। ट्राई करना। थैंक यू, बाय।